बहुत काम आने वाली कमाल की किचन कुकिंग टिप्स। आइए देखते हैं। नंबर एक, सब्जी का रस सुर्ख बनाना है तो सूखे लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच चीनी और एक प्याज फ्राई करके कुछ देर के लिए भिगो दें, बाद में पीस कर रस में पकाएं। नंबर दो, यदि दाल बनाते समय प्रेशर कुकर के ढक्कन से बार बार पानी निकलता है और आसपास सब गंदा हो जाता है तो यह ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। प्रेशर कुकर में दाल को उबालने के लिए रखते समय उसमें एक स्टील की छोटी सी कटोरी डाल दें। ऐसा करने से दाल उफलेगी नहीं और कुकर की सीटी से सिर्फ स्टीम ही निकलेगी। नंबर तीन, सहजन को भी मटर की तरह स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए आप सहजन की फलियों को छिलकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर किसी एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रीजर में रख दें। इस तरीके से सहजन कम से कम 1.5 महीने से ज़्यादा चल जाएगी। नंबर चार, छेना फाड़ने के बाद उसे निकला पानी फेंके नहीं, उसका इस्तेमाल रोटी या पराठा का आटा गूंथने के लिए करें, जिससे रोटी पराठे ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे। नंबर पाँच, अखरोट को रात भर भिगो कर रखें, सुबह इसे तोड़ने पर वह आसानी से टूट जाएगा। नंबर छः, पुदीना जीरा और धनिया को भूनकर पाउडर बनाकर स्टोर कर लें। सूखी सब्जियों में इस पाउडर को डालने से सब्जियों से अच्छी खुशबू आएगी। नंबर सात, फ्रिज की ऊपरी सफाई माइक्रोफाइबर कपड़े से करें। फ्रिज में बचा हुआ खाना ज़्यादा दिन तक ना रखें, इससे बदबू फैल सकती है। नंबर आठ, चावल की कचरी को टेस्टी बनाने के लिए मिश्रण में अजवाइन और पिसी हुई काली मिर्च बनाएं, कचरी टेस्टी बनेगी। नंबर नौ, मैक्रोनी में टमाटर, प्याज और मैगी मसाला के साथ चीज़ डालकर बनाएं, स्वाद बढ़िया आता है। नंबर दस, साबुत मसूर की दाल को पकाने से पहले सूखा ही भून लें, दाल बनेगी ज़्यादा ही स्वादिष्ट। नंबर ग्यारह, गैस के बर्नर को सोडा और नमक की पेस्ट से रगड़े, बर्नर चमकने लगेगा। नंबर बारह, साबुदाने की टिक्की बना रही हैं तो उसमें एक ब्रेड का टुकड़ा भी मिला दें, इससे टिक्की फटती नहीं है। नंबर तेरह, सब्जी में मिर्च तेज हो जाए तो पके हुए टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर सब्जी में डालकर थोड़ी देर पकाएं, सब्जी का तीखापन खत्म हो जाएगा। नंबर 17, नॉनस्टिक पैन में कुछ भी बनाते समय स्टील का चम्मच ना इस्तेमाल करें, इससे पैन जल्दी ख़राब हो जाती है। नंबर 18, तवा चमकाने के लिए उल्टा करके तेज आंच पर गर्म करें, फिर सिरका डालकर छोड़ दें। 5 मिनट बाद साबुन से साफ करके पानी से धो लें, तवा चमक जाएगा। नंबर 19, जले हुए बर्तन पर चाय पत्ती और पानी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, इसके बाद साफ करने पर बर्तन आसानी से चमक जाएगा। नंबर 20, शिमला मिर्च को फ्रिज में रखने से मिर्च नरम हो जाती है और स्वाद भी खराब हो जाता है। नंबर 21, खाने की मेज को नमक मिले पानी से साफ करने पर मक्खियां नहीं आएंगी। नंबर 22, गुजराती मेथी थेपला बनाते समय मिश्रण में थोड़ा सा दही मिलाने से थेपला में मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है। नंबर 23, पालक के पकौड़े बनाते समय घोल में अजवाइन, हींग और थोड़ा सा तेल मिलाने से पकौड़े बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं। नंबर 24,
पकोड़े सर्व करने से पहले इसमें ऊपर से थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला छिड़क देने से पकोड़े और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, या फिर आप चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। नंबर 25, प्याज फ्राई करते समय थोड़ा नींबू का रस मिलाने से प्याज का रंग गुलाबी बना रहता है। नंबर 26, अगर आप दूध को किसी वजह से फ्रिज में नहीं रख पा रहे हैं तो पकाते समय उसमें एक इलायची तोड़कर डाल दें, इससे दूध लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। नंबर 27, सलाद काटते समय हमेशा सब्जियां तिरछी काटें, इससे सब्जी में जूस बरकरार रहता है। नंबर 28, जिन केले पर काले धब्बे या काले निशान हो तो उन्हें ना खरीदें, ऐसे केले बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नंबर 29, लाल मिर्च पीसते समय उसमें 2 से 3 बूंद सरसों का तेल डालने से उसका रंग लाल सुर्ख हो जाएगा। नंबर 30, डोसे को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसके बैटर में चुटकी भर चीनी डालकर अच्छे से मिला दें, फिर डोसे बनाएं, डोसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। नंबर 31, अगर किसी भी मसाला का दाग आपके हाथ में लग जाए तो कच्चा आलू काटकर रगड़ लें, धब्बे दूर हो जाएंगे। नंबर 32, बेसन के घोल में नींबू का रस डालें और फिर पकौड़े बनाएं, इससे पकौड़े कम तेल सोखेंगे और पकौड़े स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर 33, कटहल को काटने के तुरंत बाद गुनगुने पानी में डाल दें, इससे कटहल काला नहीं होगा और चिपचिपापन भी खत्म हो जाएगा। नंबर 34, दलिया को 1 चम्मच घी डालकर भून कर रखने से दलिया ख़राब नहीं होता और पकता भी जल्दी है। नंबर 35, काले चने को उबालते समय उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, इससे चना जल्दी पक जाएगा। नंबर 36, जब भी बाज़ार से टमाटर ले तो खरीदते समय ध्यान दें, डंठल वाले टमाटर लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। नंबर 37, छिपकली आने वाली जगह पर अंडे के छिलके को रखने से छिपकली भाग जाएगी। नंबर 38, अगर धनिया मुरझा गया है तो उसके जड़ को पानी में डुबोकर रखने से धनिया फिर से ताज़ा हो जाता है। अगला देखते हैं, मलाई से घी बनाते समय मलाई में पान के कुछ डंठल डालने से घी दानेदार बनता है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।